किसी भी बच्चे की हेल्थ जज करने के लिए एक अच्छा तरीका है उनकी हाइट को मापना उनके एज के हिसाब से। इसे WHO के हिसाब से एक 6 महीने की लड़के की मीडियन हाइट होती है 70 सेंटीमीटर, वहीं लड़के की 66 सेंटीमीटर, और 2 साल के लड़के के लिए मीडियन हाइट है 88 सेंटीमीटर और लड़की के लिए 86 सेंटीमीटर। पर बकायदा WHO ने ऐसे डिटेल्ड ग्राफ्स क्रिएट करे हैं हाइट को जज करने के लिए। जो ग्रीन लाइन है वो मीडियन हाइट बताती है डिफरेंट एजेस के लिए, जबकि ये हाइट्स है उन बच्चों के लिए जिनकी हाइट मीडियन से 2 या 3 स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है। एक चाइल्ड को स्टंटेड यानी कि अविकसित माना जाता है अगर उनकी हाइट मीडियन हाइट से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन कम है। अब इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ कंपेयर करता है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के बच्चों की हाइट अफ्रीकन कंट्रीज के बच्चों की हाइट से। जैसे आप देख सकते हैं कि यूपी और बिहार में एवरेज वैल्यू -2 के करीब है, यानी कि स्टंटिंग की वैल्यू के करीब। पर इस ग्राफ का की मैसेज ये है कि कई इंडियन स्टेट्स का चाहे GDP पर कैपिटा सेम हो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से, पर उनके बच्चों की हाइट ऑन एवरेज उनसे कम है। और कंट्री लेवल पर भी चाहे इंडिया का GDP पर कैपिटा कई अफ्रीकन देशों से ज्यादा है, पर स्टंटिंग इंडिया में ज्यादा है उन देशों से। और इस प्रश्न को कई रिसर्चर्स एक साउथ एशियन एनिग्मा कहते हैं। तो क्या कारण है कि इंडियन बच्चों की हाइट इतनी कम है? इसके बारे में 2 इकोनॉमिस्ट रोहिणी पांडे और सीमा जयचंद्रन ने अपने पेपर में बात करी थी, और उन्होंने पाया कि इस प्रश्न का सवाल हमें इंडियन समाज के बारे में बहुत बताता है, स्पेसिफिकली कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। बाबू, इसके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए ना, और आपकी हाइट कम है थोड़ा ना। सर, नहीं हो पाएगा सर, प्लीज सर, सर। Children in India are short. She stands just 133 centimeters and weighs 42 kilograms. Why do we care about height? Growth ki sahi shuruaat che badhi dugni tezi se. I understand that you're tall, lekin bridge ke niche jhuk ke chalne ki zarurat nahi hai. Tu itna lamba bhi nahi hai. अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि ये जेनेटिक्स की वजह से है, अफ्रीकन लोग ज्यादा लंबे और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इंडियन लोगों के कंपैरिजन से, और इसी वजह से उनके बच्चे भी ज्यादा लंबे होंगे इंडियन बच्चों से। पर रिसर्चर्स ने ये थ्योरी नहीं पाई, बल्कि उनको एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मिली। उन्होंने पाया कि इंडियन फैमिलीज का जो पहला बच्चा होता है उनकी कम संभावना होती है स्टंटेड होने की एक अफ्रीकन चाइल्ड के कंपैरिजन से। यानी कि ऑन एवरेज इंडियन परिवारों का पहला बच्चा ज्यादा लंबा होता है अफ्रीकन परिवारों के पहले बच्चे से, और जो दूसरा तीसरा उसके बाद कोई बच्चा होता है उसमें स्टंटिंग होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है एक अफ्रीकन बच्चे के कंपैरिजन से। अगर आप इंडियन समाज के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपने पहले ही गेस कर लिया होगा कि आंसर क्या है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कई इंडियन परिवार अपनी ज्यादा रिसोर्सेज पहले बच्चे को देते हैं और दूसरों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और बस ये काफी नहीं है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। अब जैसे हमने बताया कि पहले इंडियन बच्चे की स्टंटेड होने की संभावना कम है एक अफ्रीकन फैमिली के पहले बच्चे के कंपैरिजन में, पर ये चीज सभी एल्डेस्ट चाइल्ड के लिए अप्लाई नहीं करती। ये चीज तभी अप्लाई करती है जब पहला चाइल्ड एक लड़का है और ना कि लड़की। और ये इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, इंडिया में कई परिवार एक लड़की के ऊपर एक लड़के को प्रेफर करते हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से हर 1000 लड़कों के लिए 18 इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जहां लड़कों से ज्यादा लड़कियां पैदा होती हैं, और इस चीज के लिए हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी जिम्मेदार है जहां लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और रिसर्चर्स का विश्वास और बढ़ जाता है कि इस चीज के लिए हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी जिम्मेदार है जब वो उन स्टेट्स को ऑब्जर्व करते हैं जहां महिलाओं की सिचुएशन बेहतर है। जैसे आप देख सकते हैं कि लड़कियों की हाइट केरला और नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है इंडिया की एवरेज से। इनफैक्ट रिसर्चर्स ने पाया कि केरला में हाइट में कोई अंतर नहीं है एक परिवार के बच्चों के बीच। और ये जो हाइट एडवांटेज है वो परिवार के किसी भी लड़के में नहीं देखी जाती, बल्कि परिवार के सबसे बड़े लड़के में ही देखी जाती है। और जयचंद्रन और पांडे 2 आर्ग्यूमेंट देते हैं इस चीज के सपोर्ट में। पहला कि वो ये पाते हैं कि जब किसी परिवार में बस लड़के होते हैं तो सबसे बड़े लड़के की सबसे ज्यादा संभावना होती है लंबे होने की। अब इस चीज के लिए एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि कई परिवार ढंग से प्लानिंग नहीं करते, तो हो सकता है कि उनके जो वेल्थ है, उनके जो पैसे हैं, वो खत्म होने लग जाते होंगे जैसे उनके ज्यादा बच्चे होते हैं, जिस वजह से सबसे बड़े लड़के को सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मिलती है और यंग लड़कों को इतनी नहीं मिलती। पर यही अब उनका सेकेंड आर्ग्यूमेंट आता है। रिसर्चर्स ये पाते हैं कि उन परिवारों में जहाँ एक लड़का उनका सेकंड बच्चा है वो इंडिया में ज्यादा लंबा तभी होता है अफ्रीका के कंपैरिजन में जब उनकी ओल्डर सिबलिंग एक लड़की होती है, यानी कि वो लड़का परिवार का सबसे बड़ा लड़का होता है।
रिसर्चर्स ने पाया कि जो परिवार होते हैं वो अपनी रिसोर्सेज जैसे न्यूट्रिशियस फूड, आयरन सप्लीमेंट्स, टेटनस शॉट्स और मेडिकल चेकअप्स प्रेग्नेंट महिला को देते हैं अगर उनको लगता है कि उनके पहले लड़के के जन्म होने की संभावना है। और जैसे ही उनके परिवार में पहला लड़के का जन्म हो जाता है ये इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती है, चाहे अगला बच्चा एक लड़का हो या लड़की। और अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से इंडिया में स्टंटिंग की सिचुएशन और बिगड़ सकती है। चाइल्ड वेलबींग रिपोर्ट 2020 के हिसाब से इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा बच्चे मैल न्यूट्रिशन हो सकते हैं इस पैंडेमिक की वजह से। पर इस पैंडेमिक ने बस कुछ परिवारों की सिचुएशन पर ही असर नहीं डाला। महेश व्यास जो एक इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि 97% इंडियंस और गरीब हो गए कोविड-19 की वजह से। ऐसे चैलेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सभी लोग ज्यादा सेव करना स्टार्ट कर देते हैं ना कि खर्च करना। और जब हम सेविंग्स के बारे में सोचते हैं हम यूजुअली बैंक्स में FD के बारे में सोचते हैं, पर एक्चुअली कई और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। जहां मोस्ट बैंक्स में FD की रिटर्न 4-5% के बीच में है जो लोएस्ट है एक डेकेड में, तब आप कई इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जो गारंटीड रिटर्न देते हैं। और ये प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं policybazaar.com में जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। इन प्लान्स के 3 बेनिफिट्स हैं। पहला कि ये 5.5-6% की एनुअल रिटर्न दे सकते हैं जो FD से ज्यादा है। ये स्पेशली यूजफुल है उन लोगों के लिए जिनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और जो 45 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है और आपके रिटर्न्स भी टैक्स फ्री हो सकते हैं जो FD में नहीं होता। तीसरा कि आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल सकता है जो आपके एनुअल प्रीमियम से 10 गुना तक हो सकता है। इसलिए आपको इन प्रोडक्ट से गारंटीड रिटर्न्स मिल सकती हैं और आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन भी मिल सकती है अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है। ऐसे प्लान्स आइडियल है उन लोगों के लिए जिनकी रिस्क एपेटाइट कम है, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो FD जैसे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। अगर आप वो हैं और आप ऐसे प्लान्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर क्लिक कीजिए। अब अपने वीडियो पर वापस आते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि चाहे ऑन एवरेज इंडियन बच्चों की हाइट कम है अफ्रीकन बच्चों से, पर इंडिया के फर्स्ट मेल चाइल्ड की हाइट ज्यादा है अफ्रीका के फर्स्ट मेल चाइल्ड से, क्योंकि इंडिया में ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एक एल्डेस्ट मेल चाइल्ड को। और रिसर्चर्स कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है छोटी बेटियों को, और ये 2 कारणों की वजह से है। पहला है जिसको एक्सपर्ट्स कहते हैं सिबलिंग राइवलरी इफेक्ट, जिसका बेसिकली मतलब है कि जैसे एक परिवार में ज्यादा बच्चे होते हैं उसकी वजह से उनके बीच एक कंपटीशन बढ़ जाता है फैमिली की रिसोर्सेज के लिए। तो जो भी बच्चा जो एक परिवार में बाद में पैदा होगा उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होंगी। और दूसरा है जिसको एक्सपर्ट्स कहते हैं फर्टिलिटी स्टॉपिंग बिहेवियर, जिसका मतलब यह है कि जब परिवार में एक लड़की पैदा होती है और उस परिवार में बस लड़कियां ही मौजूद होती हैं, तब उनके पेरेंट्स और बच्चों के लिए ट्राई करते हैं ताकि उनको एक लड़का हो जाए। और इन 2 कारणों की वजह से यंग डॉटर्स में सबसे कम इन्वेस्टमेंट्स होती है इंडियन फैमिलीज में। और इस सिचुएशन के बारे में रिसर्चर्स ने रिलीजियस डिफरेंसेस भी देखे। जब उन्होंने हिंदू फैमिलीज और मुस्लिम फैमिलीज को कंपेयर किया, उन्होंने पाया कि जो पहला मुस्लिम बच्चा होता है उसमें स्टंटिंग होने की ज्यादा संभावना होती है और इसी वजह से उनका कद कम हो सकता है एक हिंदू पहले बच्चे से। और ये इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिया में एक एवरेज हिंदू फैमिली के पास ज्यादा पैसा होता है एक एवरेज मुस्लिम फैमिली से। जैसे एक 2013 के गवर्नमेंट सर्वे ने बताया कि डेली कैपिटल एक्सपेंडिचर एक एवरेज हिंदू के लिए ज्यादा होता है एक एवरेज मुस्लिम से। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब हम दूसरे और तीसरे बच्चे को कंपेयर करते हैं तो कहानी बदल जाती है कि एक दूसरे बच्चे में ये डिफरेंस कम हो जाता है और तीसरे बच्चे के बाद एक हिंदू बच्चे के स्टंटेड होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और रिसर्चर्स कहते हैं कि ये शायद इसलिए है क्योंकि मुस्लिम परिवारों में कम एम्फेसिस दिया जाता है एक लड़का होने के लिए, वहीं हिंदू परिवारों की कल्चरल प्रैक्टिसेस में एक लड़के को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। जैसे माता पिता टिपिकली अपने सबसे बड़े लड़के के साथ रहते हैं और अपनी प्रॉपर्टी भी उनको ही देते हैं, और इसके अलावा जो भी क्रियाकर्म होते हैं मरने के बाद मोस्ट परिवार में वो भी सबसे बड़ा लड़का ही करता है। और इस आर्ग्यूमेंट में उनका विश्वास और बढ़ जाता है जब वो ये पाते हैं कि ये सिचुएशन इंडिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश के कंपैरिजन से बुरी है। अब अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो हम में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि जैसे इंडिया में ज्यादा गरीबी कम होगी तब ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि 1992 और 2005 के बीच जहां इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 6% से ज्यादा थी, स्टंटिंग में जो गिरावट आई वो 1.3% पर ईयर ही है। इसके अलावा ऐसी कई सामाजिक प्रैक्टिसेस हैं जो एक्चुअली अमीर परिवारों में ज्यादा देखी जाती है। जैसे अमीर परिवारों में ज्यादा संभावना होती है कि उनकी महिलाएं बाहर काम नहीं करेंगी, जिसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात भी करी थी। और अमीर परिवारों में सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस की भी ज्यादा संभावना होती है, जिसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात करी थी। तो ये प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि तब सॉल्व हो जाएगी जब हमारा देश ज्यादा अमीर हो जाएगा।
बल्कि इसके लिए हमें सोसाइटल नॉर्म्स चेंज करनी होंगी। एजुकेशन और वर्क अपॉर्चुनिटीज हमें बढ़ानी होगी इंडियन महिलाओं के लिए, और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट देनी होगी। ऐसे एक सोल्यूशन हो सकता है इंडिया के रूरल हेल्थ केयर वर्कर्स की सैलरी बढ़ाना, ऐसे आशा वर्कर्स जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है महिलाओं और उनके बच्चों की हेल्थ के बारे में। और अगर ऐसा होगा तो शायद कुछ साल बाद हम इस ग्राफ में कुछ चेंज देख पाएंगे।